तो भैया फाइनली चावल लेके हम लोग निकल चुके हैं और देखो हमारी पूरी टीम चल रही है साथ में। आज सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात, प्रेम फिर से डिक्की में बैठा है, दिखाइए भाभी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और भाई मेरा तबीयत तो वैसे बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, मैं बता नहीं सकता। वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बना रहे हैं, क्या बताएं। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं कहीं घर से बाहर, किस वजह से ये सब आपको रास्ते में मालूम पड़ेगा। और बाकी देखो मम्मी इधर क्या काट रही हो, मम्मी ये गोभी है, आलू है, हाँ, आ सगा प्याज है, हाँ, हाँ, इसी का भुजिया बनेगा, चाहे रोटी बनेगा, चाहे पूड़ी बनेगा। थोड़ा गौतम बाबू का तबीयत बहुत खराब है, जुकाम सर्दी बुखार हो गया है। ये प्यारी मम्मी का हेल्प करा रही है। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो सोचे हैं सब्जी और रोटी बना के लेके चलें, क्योंकि मम्मी होटल का ज़्यादा खाना नहीं खाती हैं। कभी भी आप लोग देखते हैं, किसी ब्लॉग में देखे होंगे, आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाती, हम लोग खाते हैं लेकिन मम्मी नहीं खाती, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम आज हम घर से खाना बना के लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये सगा प्याज है, आलू है और गोभी है। तो मेरी लाडो रानी जो है वो सो चुकी है और प्यारी जो है मेरे लिए चाय बना के लेके आई है, क्योंकि सर्दी जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये लाल चाय है जो कि मिर्च डाल के एक नहीं बनता है, वही वाला चाय है। तो इसको पियेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। तो गाइस अभी चलते हैं किचन में और देखते हैं प्यारी हमारी क्या कर रही है। और देखिए भैया ये जो है रोटी अभी बन रहा है, और सब्जी दिखाओ। सब्जी सब्जी बन रहा है, सब्जी बन रहा है। देखिए यहाँ पे घर का खाना अच्छा लगता है, इसलिए बना के हम लेके जा रहे हैं। अब मम्मी नहीं खाती हैं तो वो और नहीं, तब और नहीं अच्छा लगता है। आ चुके हैं अभी बाहर और देखो भाई कितना मौसम प्यारा हुआ है। और देखो बाइक जो है ना, अभी बाइक को अंदर चढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग चले जाएंगे ना तो घर यार बंद हो जाएगा और बाइक जो है बाहर पड़ेगा तो सही नहीं रहेगा, चोरी भी हो सकती है। तो इसलिए बाइक को अंदर चढ़ाना पड़ेगा, नहीं प्रेम? तो हमारी लाडो कहाँ, लड्डू लाडो सोई थी, अभी सो के उठ गई है। लड्डू थोड़ा एक बार हंस लोगी? लड्डू हंसो। तो उस दिन कुर्सी जो है टूट गया था और भाई साहब हाथ वो टूटने से मेरा बच गया। और बाकी अभी इसको भी ले चल रहे हैं बनवाने के लिए, लेकिन ये पूरा कुर्सी जो है ना ये नहीं यार गाड़ी के अंदर आ पा रहा, तो ये यहाँ पे लगा था। तो मैंने क्या किया, इसको खोल लिया, ओपन कर लिया, ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है। और ये पहले इस तरीके से था कुछ, और इसके ऊपर ये कुर्सी बैठा था। तो अभी केवल इन दोनों को लेके चलेंगे और अगर बन जाता है तो ये बनवाएंगे। हो सकता है कि ये छोटा सा चेंजिंग करना पड़े, और नहीं तो ये बाकी ये पूरा सेट ही चेंज होगा। तो देखते हैं कितना पैसा लेते हैं लोग, अगर थोड़ा बहुत पैसा लेंगे तो हो सकता है इसको भी हम बनवा देंगे। तो अभी इसको भी लेके चलते हैं, गाड़ी में रख लेते हैं। चलो प्रेम अभी इसको अंदर रख देते हैं। अभी जो है फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं, सब तैयारी हो चुका है। और देखो यहाँ पे झोले के अंदर जो है रोटी सब्जी वगैरह सब रख दिया गया है, दो पानी रख दिए हैं, और यहाँ पर कुकर है। ये जो है नया प्रेशर है नहीं मम्मी? नया है, इसको बनवाना है। यहीं से लीकेज करता है, यहीं से लीकेज करता है। इसको भी दिखाना है। अब इसको भी गाड़ी के अंदर यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि जब चल रहे हैं मार्केट में तो साथ साथ सब कुछ बन जाएगा। ये खाना भी इधर ही रख दीजिए, यहीं पे यहीं रख दीजिए। हाँ तो भैया चलिए निकलते हैं, और निकलने से पहले एक बार मम्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं। खुश रहो बेटा, बहुत दोनों खुश रहे, मेरा ये गोविंद बेटा भी खुश रहे, बेटा आप लोग भी खूब खुश रहना। मैं भी ले लेता हूँ, पैर छू लेता हूँ भैया का भी। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हम लोग को देना, आप लोग मम्मी का खुश रहना, सब खुश रहे, छोटे बड़े सब खुश रहे। चलो लाडो भी आशीर्वाद ले रही है। लाडो इधर देखो, हमारी उम्र लेके बड़ा हो जाए। दरवाजा ओपन करते हैं, चलो भाई बैठो। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और सर्दी जुकाम यही सब हो रहा है। शरीर इतना भारी हो गया है ना कि क्या बताएं, मतलब कुछ करने को नहीं मन कर रहा है। तो अभी चल रहे हैं सामने मेडिकल है, वहीं से दवा लेके आएंगे। तो भैया आ चुके हैं दवा लेके। दवा खाए हैं, एक दो दिन में आराम हो जाएगा। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और यूट्यूब के तरफ से जो भी हम लोग का पेमेंट आया जितना भी
उस पैसे से हम लोग राशन खरीदेंगे। अगली बार भी हम लोग उस पैसे से राशन हम लोग का भराया था ना जी मनीषा बहनी। हाँ भैया, हम लोग जो भी कहते हैं ना वो खरीद देते हैं। आज सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात, प्रेम फिर से डिक्की में बैठा है, दिखाइए भाभी। चुप रहे कि कोई दिखाएगा नहीं हमको। डिक्की में बैठा हूँ क्योंकि मनीषा दी ना रोने लगी है, यह बैठ रही थी, मेरे से छोटी ना है इसलिए बैठ रही थी, लेकिन रोने लगी है तो मुझे ही बैठना पड़ रहा है। वो भाई हमको बैठाते भी नहीं, वो ही बैठता है हमेशा, झूठ बोल रहा है सब। गाड़ी में भर गए हैं सब लोग, तो डिक्की में तो बैठना पड़ेगा ना। घर पे वो छोटे बच्चे हैं तो नहीं छोड़ पाएंगे हम लोग। लाडो देखिए ऑलरेडी मेरी यहाँ पे सो गई है। हमेशा अपने दादी की गोद में सोती है ना भाभी। मिलन भैया हमसे पार्टी मांग रहे थे लेकिन घर पे ही पैसा छूट गया है। मिलन भैया आप पार्टी दीजिएगा, ठीक है ना? उल्टा। अभी शाम के 6:14 हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं देवरिया मार्केट करने। मार्केट में बहुत सारा वैसे सामान खरीदना है और कुछ चीजें जो है वो बनवाना है, जो कि अगर मार्केट खुला रहेगा तो आप सभी को वहाँ देखने को मिलेगा ही। और अच्छा लगता है यार, हम कहीं भी जाते हैं ना तो सोचते हैं यार पूरी फैमिली, पूरी हाँ पूरी फैमिली मतलब चले, तो थोड़ा सा सही रहता है, अच्छा लगता है। हर चीज़ छोटा मोटा खरीदते हैं तो मिल बांट के खा भी लेते हैं और बोलते बात करते जाते हैं, तो सफ़र का भी थोड़ा सा एक वो नहीं होता है कि कब पहुंच गए और कब घर चले आए, तो अच्छा लगता है वैसे। आज मैं आप सभी से क्या बताऊं, एक दो दिन से कार्यक्रम लगातार मेरा चल रहा था और मेरा गला बैठ गया है, नहीं तो मैं आप सभी के बीच में ज़रूर गाना गाता लेकिन अभी नहीं गा पाऊंगा क्योंकि आवाज़ बैठ गया है, इसके लिए सॉरी। आज मैं अभी गया था स्टूडियो पे लेकिन मेरे को पता चला मेरे भैया कहीं जा रहे थे तो मैं भी सोचा मैं भी जाऊं। गाइज आप सभी का कमेंट आ रहा था कि गोविंद भाई आप क्या करते हो, तो गाइज मैं आप सभी से बता दूं, मैं स्टेज प्रोग्राम करता हूं और एल्बम भी गाता हूं। बहुत कोई कोई मतलब मेरा करीबी दोस्त मित्र होता है जो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे घर भी आओ और स्टेज कार्यक्रम करो, तो वैसे मैं कर देता हूँ लेकिन मेरे पास फिलहाल उतना समय नहीं रहता है क्योंकि मेरे को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है क्योंकि मैं बहुत सीखने में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसके कारण थोड़ा बहुत मेरे पास कम समय बचता है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम लोग देवरिया मार्केट में और अभी बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के शॉपिंग करेंगे घर के लिए, देखते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, थोड़ा बहुत सामान लेना है और बाकी अंदर मार्केट में चलेंगे ना तो वहाँ बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी खरीदना है, तो चलिए अभी बाहर निकलते हैं। और यही है देवरिया का मार्केट जो कि आप सब देख सकते हो, और यही जो है ना किराना स्टोर का थोक सामान मिलता है। पिछली बार यही आए थे याद है? हाँ याद है, इसी रास्ते को लोग आए थे और यही सामान लेते थे। हम ही बाहुबली का बाहुबली बने थे और ले गए थे चावल को। तो भैया आए हैं अभी यहाँ पर चावल लेने के लिए और 4 बोरी जो है यहाँ से चावल लेके जाएंगे। बाकी गोविंद प्रेम और रामबिलन भी जो है ना अंदर चावल लाने गए हैं। रामबिलन भाई और प्रेम एक एक बोरी चावल लेके आए हैं और बाकी गोविंद गया है अंदर लाने के लिए। 4 बोरी जो है चावल हम लोग ले चुके हैं। रामबिलन भाई बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, साथ में प्रेम भी मेहनत किया है और अकेला भाई का हाल है? बढ़िया है। ज़्यादा भारी था का? नहीं कहाँ भारी था, ले जाएंगे वहाँ पे। तो चलो भाई 4 बोरी चावल ले रहे हैं, अभी अंकल को पैसा देते हैं। कितना हुआ अंकल? 20। तो भैया फाइनली चावल लेके हम लोग निकल चुके हैं और देखो हमारी पूरी टीम चल रही है साथ में। इधर गोविंद लिया हुआ है, आगे प्रेम जा रहा है, पीछे रामबिलन भैया और एक बोरी चावल हम लेके चल रहे हैं। बहुत भारी है। भारी तो है, एक बोरी है ना वो 26 किलो का है, तो 4 बोरी लिए हैं तो चारों लोग लेके जा रहे हैं। गाड़ी जो है सामने लगाए हुए हैं और वहाँ पे मम्मी वाइफ मनीषा सबको ही वेट कर रहे हैं लोग। चलो रखो प्रेम, कोई दिक्कत नहीं है, रखो 2 बोरी और ये तीसरा गया, चौथा बोरी भी हम ही लेकर आए थे और ये भाई चौथा। और लड्डू पेड़ा, गिली गिली पेड़ा, लड्डू पेड़ा। अब इसको बंद करते हैं। तो भैया फाइनली आए थे भैया के दुकान पे और देखो भाई साहब ये जो है चेंज हुआ है, यही है ना ये जो हम लोग का था यहाँ से टूट गया था पूरा, और ये देखो ये नया लगा है पूरा, यही चीज़ है और ये अभी इसके अंदर आ जाएगा। और बाकी देखो अभी ये कुर्सी जो मैंने खोल के घर रखा था अभी जाके बस इस पर नट बोल्ट करके ऐसे और इसको बस टाइट कर देना है, बाकी ये पूरा फिट हो चुका है। कितना पैसा है भैया? 750। ये 750 रुपये का है और भैया 50 रुपये डिस्काउंट किए हैं, लीजिए भैया। तो भैया फाइनली जो है कुर्सी हमारा बन चुका है और काफ़ी हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा नहीं।
चलो ये बंद करते हैं, वो तकिया अंदर कर दो गोविंद। इसलिए हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और यहाँ पे जो प्रेशर कुकर था ना उसको बनवाना था। तो देखो भाई, इसी गली के अंदर जो है प्रेशर कुकर जो है वो बनता है, तो अभी इसी गली के अंदर हम लोग चल रहे हैं। भैया आए हैं, देखो यहाँ पर भैया का एक दुकान है जो कि यहाँ पे सिलेंडर वगैरह गैस चूल्हा सब कुछ बनता है, और यहीं पे प्रेशर लेके आए हैं। देखिएगा भैया क्या हुआ, इसके अंदर लीकेज है, चेंज कर दीजिएगा। भैया हमारा कुकर जो है वो बन चुका है, देखो का गोविंद दिखाओ का खराब था, यही इसी में मतलब यही, हाँ इसको छेद हो गया था इसी के अंदर, यही चेंज हुआ है। तो गाइस देखिए भैया गए हैं जूता लेने के लिए, और मैं आ गया जूता की दुकान में, तो ले चलते हैं भैया के पास। तो भैया अभी आए हैं जूता लेने के लिए, और देखो भैया नया नया जूता यहाँ पे दिखा रहे हैं, और देख रहे हैं कौन जूता पसंद आता है। तो भैया गए थे जूता लेने के लिए, लेकिन जूता पसंद नहीं आया, कोई खास डिजाइन नहीं था उनके पास, तो इसलिए कैंसिल करना पड़ा। कल जो जाएंगे ना, कल हमारे खुद के मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का जूता वहाँ मिलता है, और पहचान भी है वहाँ पे, तो सोचे हैं कि वहीं जाके ले लेंगे, कुछ दाम भी थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और यहाँ पर भाई कैंपस के जूते पे 20% का ओनली डिस्काउंट मिल रहा था, जो कि जहाँ पे हम पहले लिए हैं ना वहाँ पे लगभग 35% का डिस्काउंट वो लोग किए थे, और वहाँ पे एक से एक जूता भी मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो कल ही जाके वहीं पे ले लेंगे। नहीं भैया, देखिए सामने हमारी गाड़ी है, प्रेशर कुकर तो बन चुका है, अभी इसको यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, बैठ जाओ प्रेम, बैठ जाओगे, हो जाएगा, बंद करें। आधे रास्ते में आए हैं ना, तो यहाँ पर भाई साहब रुके हैं, गाड़ी लगा दी है साइड में, और देखो पीछे सब कोई बैठा है। लगा है अब भूख लगा है ना, बहुत तेज भूख लगा है। और भैया घर से ही खाना वगैरह सब कुछ हम लोग लेके आए थे, तो देखो रास्ते में खाने का मजा ही कुछ और है। ये मम्मी को दे दो पीछे, मम्मी और मनीषा भी नहीं खाएंगे, मनीषा एक में खा लेंगे लो, खाओ मनीषा। और भाभी और लाडू को एक में दे दिए, लाडू के लिए भी इसको 8 रोटी दो, रोटी थोड़ा ज्यादा खाते हैं ना। और लो आगे भी घर में 8 रोटी है इसमें, 3 रोटी है, 8 रोटी 8 है, 3 है इसमें, लग रहा है बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, घर का खाना बहुत अच्छा ना मम्मी, बहुत। तो भैया फाइनली खाना वगैरह सब कुछ हम लोग खा चुके हैं, और काफी मस्त सब्जी बना था, खा के एकदम माइंड फ्रेश हो गया और पेट पूरा फुल हो गया। और देखो हमारी लाडू जो है वो भी जग गई है, पेट पेट पूजा कर कर ना बैठा है, लेकिन मैं ही पेट पूजा कर कर आराम से डिक्की में सोया तो भैया फाइनली आ चुके हैं घर पे, और देखो भाई गाड़ी साइड में इधर लगा दिए हैं, और बाकी देखो प्रेम जो है अभी चावल ढोना स्टार्ट कर दिया है। 4 बोरी चावल है, 1 बोरी अभी गोविंद उठा लिया। भैया से 1 बोरी का 100 रुपया लूंगा, 1 बोरी का 100 रुपया लोगे? चलो भाई रखो, अलग अलग मत रखो, चावल 1000 का है, हाँ चावल 1000 का है, और 100 रुपया ले रहे हैं हो गया, वो ले लो। हाँ और कुछ है इसमें? एक तो टूटा वाला है, एक नीमा, दोनों दोनों निकाल लो बाहर। चलो तो ये यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये कुर्सी है, और भाई साहब देखो यही चेंज करा के हम लेके आए हैं, अभी इसके ऊपर जो है कुर्सी को बैठा देंगे सही हो जाएगा। और ये टूटा हुआ है, और देखो 3 बोरी है, 1 बोरी वो, 4 बोरी है, और बाकी देखो खाने पीने का जो सामान ले गए थे ना ये झोला में यही था। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ब्लॉग अच्छा था तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और इधर भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जाइए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।